بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر رواه الترمذي امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل فرمایا जिसको शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद के एतबार से हसन करार दिया। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुसलमान का जुमे के दिन या जुमे की रात इंतकाल हो जाए इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतुल क़ब्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कब्र के फितने से, कब्र की आजमाइश से उसको महफूज फरमाएगा। इस रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ जुमे की अजमत और जुमे की फजीलत बयान फरमाई कि जुमे का दिन हफ्ते के आम दूसरे दिनों से कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमे को मुख्तलिफ फजीलतों से नवाजा है। उनमें से एक फजीलत ये भी है कि अगर किसी मोमिन की, किसी मुसलमान की मौत जुमे के दिन या जुमे की रात होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कब्र के फितने से, कब्र की आजमाइश से उसकी हिफाजत फरमाता है। ये बड़ी अजीम खुशखबरी है मोमिन के लिए, बड़ी अजीम बशारत है मुसलमान के लिए कि जिसकी मौत जुमे के दिन या जुमे की रात को हो जाए। लेकिन इसके अंदर शर्त यह है कि वो बंदा, बंदे मोमिन हकीकी माने में मुसलमान और हकीकी माने में मोमिन हो, अकीदे तौहीद उसकी मजबूत हो और उसका अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक हो। जब उसका ईमान, उसकी तौहीद दुरुस्त और सही और मजबूत होगी और उसका अमल नेक और सालेह अमल होगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा, जब ये दोनों चीज़ें आपस में मुआफिक होंगी और जब ये दोनों चीज़ें आदमी की दुरुस्त और सही होगी, उस बंदे के लिए, उस मुसलमान के लिए ये खुशखबरी है कि अगर उसकी मौत जुमे के दिन अगर हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र के अजाब से उसकी हिफाजत फरमाता है। ये बहुत अजीब खुशखबरी है, क्योंकि अजाब कब्र और कब्र का फितना, कब्र की आजमाइश को कोई मामूली आजमाइश नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोमिनों को, मुसलमानों को अजाब कब्र से पना मांगने की ताकीद फरमाई और ये दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाई कि तुम हमेशा कब्र के आजमाइश और कब्र के अजाब और कब्र के फितने से अल्लाह की पनाह मांगा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक जनाजे के अंदर शरीक थे, अभी कब्र मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ गए और सहाबा किराम ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो ख़तार रोए जा रहे थे, यहाँ तक कि सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हत्ता बल्लगता, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नीचे की चेहरे की नीचे की जो मिट्टी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं की वजह से गीली और कच्ची हो चुकी थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से खिताब फरमाया और कहा कि लिमिथली हाज़ा फ़अईतु, के मेरे भाइयों, ए मेरी उम्मतियों, तुम इस अजाब कब्र और कब्र के इस आजमाइश और कब्र के इस फितने से बचने के लिए इस दुनिया में अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि कब्र का फितना, कब्र की आजमाइश बड़ी खतरनाक और बड़ी भयानक आजमाइश है कि जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पनाह तलब की है और मोमिनों को उससे पनाह तलब करने की ताकीद और तालीम दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की जो मस्नून दुआएं हैं, तशहुद के अंदर जो मस्नून दुआएं पढ़ी जाती हैं, उन दुआओं के अंदर भी ये दुआ शामिल है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औसुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, कि रब्बुल आलमीन तू कब्र के फितने से, कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा। इसको बंदे मोमिन पंच वक्त नमाजों में अपने तशहुद के अंदर इस दुआ को पढ़ता है, जिससे ये बात मालूम हुई कि कब्र से, कब्र की आजमाइश और कब्र के फितने से पनाह मांगना हर एक मोमिन के लिए बेहद लाजिम और ज़रूरी है।
क्योंकि ये एक ऐसी मंजिल है कि अगर इसमें बंदा कामयाब और कामरान हो जाएगा, आखिरत की तमाम आने वाली मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएगी। और जो बंदा कब्र की इस मंजिल में फंसा दिया गया, अटक गया, सोचिए कि आने वाली कयामत की मंजिलें उसके लिए दुश्वार और मुश्किल होती चली जाएगी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बशारत और खुशखबरी सुनाई ऐसे लोगों के लिए कि जिसका ईमान भी, इसका अकीदा तौहीद भी मजबूत होगा और इसका अमल भी नेक सालेह अमल और अल्लाह के रसूल के अमल के मुताबिक अमल होगा, उसके लिए खुशखबरी है कि अगर उसकी वफात जुमे के दिन या जुमे की रात होगी, अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र और फितने कब्र से महफूज फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम तमाम की अकीदे और आमाल की इस्लाह फरमाए और हम तमाम को अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।